हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर से आप सब लोगों के लिए एक न्यू रील्स वीडियो लेकर के आए हैं। आपने स्टार्टिंग में देख लिया कौन सा, तो चलिए जानते हैं इस पे वीडियो कैसे बनाना है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस रील को बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने VN ऐप को यूज करेंगे, तो VN ऐप को ओपन कर लेते हैं। और ये भी इंस्टाग्राम का मोस्ट ट्रेंडिंग रील है, तो आप इसको बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे बनाना है। अगर आपके पास है तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट नहीं कीजिएगा तो VN ऐप आपका चलेगा नहीं। अगर आपके पास VN ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो को कैसे बनाना है। तो VN ऐप को ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम अपने कुछ फ़ोटोज सेलेक्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ, आपको जिसके भी साथ है, भाई बहन के साथ, आप किसी के साथ भी अपनी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंगल फ़ोटोज़ में भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर से कुछ फ़ोटोज सेलेक्ट किए हैं, तो सबसे पहले हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको बताएँगे आगे क्या करना है। यहाँ पे मैंने 15 फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए हैं। टोटल 15 फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें आपको आगे बताने वाले हैं क्या करना है। मैंने इसमें सारा कुछ पहले से ही कम्प्लीट करके रखा है, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द इस वीडियो में कैसे कैसे क्या क्या लगाना है, कौन कौन सा फ़िल्टर यूज़ करना है, कौन कौन सा एफेक्ट्स यूज़ करना है, कैसे एडिट करना है, वो जल्द से जल्द बता सकूँ। तो चलिए अब देखिए, ये फ़ोटोज़ हमने ऐड कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने 15 फ़ोटोज़ को ऐड कर लिए हैं। और इसमें हमने म्यूज़िक, वो मैंने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया। म्यूज़िक कैसे लगाना है आप हमारे बहुत सारे वीडियोस में देख सकते हैं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आपको पता है म्यूज़िक कैसे लगाना, और जिनको नहीं पता है वो मेरा किसी कोई भी वीडियो, पहले वाला कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि VN ऐप में कैसे म्यूज़िक लगाते हैं। तो हम यहाँ पर म्यूज़िक लगा चुके हैं और म्यूज़िक में हमने बीट डाले हैं जो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं बीट हमने कैसे सेलेक्ट किया है। म्यूज़िक पर टैप करके बीट में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बीट का यहाँ टाइमिंग आपको दिखा दिया है। आप इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने बीट को कुछ इस तरह से, जैसे हमको यहाँ पे बीट लगाना है तो इस पर इस झंडे वाले पे फ्लैग पे ऐसे करके क्लिक करेंगे तो बीट हमारा लग जाएगा। इस बीट का हमको नीड नहीं है, ये हम आपको बस बताने के लिए किए थे, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। एंड यहाँ से हमारा बीट स्टार्ट है, आप देख सकते हैं मैंने एक बीट, दो बीट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 बीट लगाए हैं। आप देख सकते हैं, आप टाइमिंग यहाँ से नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके। आप अपने बीट को इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा देख करके। इस तरह से हमने अपने बीट को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से डन कर लेंगे तो ये हमारा हो चुका है, ये देखिए। और बीट जैसे यहाँ पे बहुत छोटा छोटा दिखने वाला है, तो इसको हम ऐसे करके इस तरह से टैप करके बड़ा कर लेंगे स्क्रीन पे, ताकि हमारे बीट दूर दूर तक फैल जाए एंड हमको अपने फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करने में ईजी हो। फोटोज़ को अब यहाँ पे, जैसे ये फ़ोटोज़ काफ़ी बड़े होंगे तो यहाँ पे जैसे इस तरह से बीट है तो बीट पे इस तरह से लाइन लगा के कुछ इस तरह से, जैसे ये फ़ोटो हमारा बड़ा है तो लाइन को इस तरह से लगा के यहाँ से हम स्प्लिट कर देंगे एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। एंड देखिए, ये फ़ोटो हम बीट तक ही रखेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट फोटो को इस बीट तक सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह से थर्ड फोटो को भी करेंगे, फोर्थ फोटो को भी करेंगे, सारे का करने वाले हैं। तो इस तरह से हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे आपको क्या करना है। तो इस तरह से अपने सारे बीट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस फोटोज़ को बीट के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। और फिर देखिए, कुछ इस तरह से हमने अपने सारे फ़ोटोज़ को कट कर लिया, सारे हमारे बीट के अकॉर्डिंग ही होंगे, तो ये हमारा यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से हम एफेक्ट्स यूज़ करेंगे, तो अपने जिस भी फ़ोटो में एफेक्ट्स को यूज़ करना है उस फोटो पे इस तरह से क्लिक करेंगे, एफेक्ट्स में जाएंगे एंड यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे एफेक्ट्स हैं, बट मैंने यहाँ पे स्प्लिट में जा कर के 1/2 वाला जो एफेक्ट्स है उसको यहाँ पे अप्लाई किया है, तो इसको मैं यहाँ से डन कर दूँगी। एंड इसी तरह से मैंने सेकेंड वाले में भी एफेक्ट्स यूज़ किया, यहाँ पर मैंने फोर फोटोज़ वाला जो है 2/2 का, वो मैंने सेलेक्ट किया है, तो उसको भी यहाँ पे डन कर दूंगी लगा करके। फिर मैंने थर्ड फ़ोटो में कुछ भी नहीं किया है, फोर्थ फ़ोटो में मैंने ये वाला 3/3 का एफेक्ट है उसको यूज़ किया है, फिर मैंने किसी फ़ोटोज़ में कुछ भी यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये प्लस का आइकन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने फर्स्ट प्लस के आइकन में Zoom 2 को सेलेक्ट किया है एंड सेकेंड वाले में मैंने Sec 1 का चूज़ किया है। इसी तरह से मैंने फिर बाकियों में जितने हैं, बस मैंने उसमें Zoom 2 को सेलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल कर दिया है। इन सब में Zoom 2 ही सेलेक्ट किए गए हैं, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह से हमारा वीडियो आने वाला है, हम आपको एक बार दिखा देते हैं प्ले करके। हम आपको म्यूज़िक नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसलिए म्यूज़िक ऑफ करके हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमारा वीडियो कैसा बना है। कुछ
इस तरह से हमारा वीडियो बन करके कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में जो भी सॉन्ग है या फिर जो भी मटेरियल मैंने, जैसे मैंने ये वाला दिल वाला फ़ोटो स्टार्टिंग में लगाया है, ये तो मेरा खुद का पर्सनल वाला है, बट अगर आपको चाहिए तो ये आपको मेरे इंस्टाग्राम से भी मिल सकता है, टेलीग्राम चैनल से भी मिल सकता है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं। इस वीडियो में जो म्यूज़िक है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल सकता है या इंस्टाग्राम से भी मिल सकता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम तीर के आइकन पर टैप करके इसको सेव कर लेते हैं, ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम ओपन करेंगे। आप यहाँ पे मेरे आईडी पे चले जाना, वीडियो वाइब्स प्रिया के नाम से मेरा आईडी है। आप वहाँ पे जाओगे तो फर्स्ट नंबर में आपको मेरा रील्स दिख जाएगा, जो भी मैंने इस गाने पे पोस्ट किया है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर पर ये वाला सॉन्ग है, तो हम इसको सबसे पहले प्ले कर लेते हैं। आप म्यूज़िक यहाँ से ले सकते हो, सब कुछ यहाँ पर आपका है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से सब कुछ आ गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले म्यूज़िक में चले जाएँगे एंड यहाँ पे यूज़ ऑडियो करने वाले हैं। यूज़ ऑडियो करेंगे, यहाँ पे सजेस्टेड इफेक्ट करके आएगा, तो इस इफेक्ट को सबसे पहले डन कर देंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन है, मैंने पहले से ही सेव करके रखा है तो इसलिए मेरे में सेव दिख रहा है, बट आपको यहाँ पे सेव नहीं दिखेगा अगर आपने सेव नहीं किया है। तो यूज़ ऑडियो करने के बाद जब ये आएगा तो इस पर टैप करके आपको यहाँ पर सेव करना होगा। रेट्रो वाला जो ये इफेक्ट है, ये वाला फ़िल्टर, इसको सेव कर लिए। देखिए यहाँ पर सेव लिखा गया है, सेव कर लिए। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट यूज़ करेंगे, वो वाला जहाँ पे आपको यूज़ टेम्पलेट दिख रहा होगा। एंड यूज़ टेम्पलेट में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 फोटो सेलेक्ट करने हैं, बट हमें यहाँ पे हमें 3 फोटो सेलेक्ट करने, बट यहाँ पे हम फोटो नहीं, यहाँ पे हम वीडियो सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। एंड अभी जो मैंने VNF से वीडियो एडिट किया है उसको यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, बस एक ही बार ऐड करना है, यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे फिर से वापस से ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, फिर से उसी वीडियो को वापस से सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में हम फिर से ऐड मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे उसी वीडियो को वापस से सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमारा लिरिक्स भी लिख करके आ जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। एंड सॉन्ग भी हमारा ऐड हो चुका है, जो हम आपको सुना नहीं सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने ये वाला फ़िल्टर यूज़ किया रेट्रो वाला, तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर अपना 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद ये रेट्रो वाला हमारा फ़िल्टर है, इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और ये हमारा कुछ इस तरह से वीडियो बन जाएगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेंगे, आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस तरह से लिरिक्स भी लिखा गया है। एंड यहाँ से नेक्स्ट करके हम यहाँ से इसको डन कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं कुछ, अगर आपको लिरिक्स वगैरह नहीं लिखना या उसमें ऐड मीडिया करके आपको नहीं करना तो आप सीधा पोस्ट कर सकते हैं इस सॉन्ग पर। एंड कवर फोटो सेलेक्ट करके हम डन कर लेंगे, कैप्शन लिख करके, जो भी मन है हम अपना कैप्शन लिख करके यहाँ से हम अपने वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हम शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।